GTH News, आपकी ताकत। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में, जहां सपा कांग्रेस प्रत्याशी मदन चौहान द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हैं माननीय अखिलेश यादव जी। शब्दों जिंदाबाद, 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 शब्दों जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे प्रत्याशी मंत्री मदन चौहान जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष किशन सिंह तोमर जी, मंच पर उपस्थित एमएलसी राकेश यादव जी, दज अपराध राजमंत्री भूषण त्यागी जी, आदरणीय हमारे जिया खां साहब, सुबोध नागर जी, मोहम्मद इवाज साहब और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ उपस्थित सभी कर्मठ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता और इस जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग किसान भाई, मजदूर, माताएं बहने, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। हालांकि उस दिन सभा ज्यादा लगी थी, जिसके कारण हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज भी जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं यहां से मदन चौहान जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। और अगर ये मंच गड़बड़ा गया है तो ये शुभ है, शुभ, ये गड़बड़ नहीं है, ये अच्छी बात हो गई कि मंच भी चला गया, इसका मतलब ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाले हैं। अब तो चुनाव में कोई समय नहीं बचा, आज 7 तारीख हो गई है, 8, 9, 10 को प्रचार नहीं होना और 11 तारीख को आपको मतदान करना है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं और आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस चुनाव में हमारी एक बार फिर आप मदद कर देना, जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों की सरकार बन जाए। वैसे तो हमारे साथी जितने भी साइकिल चलाने वाले हैं, जब कभी खुशी में होते हैं, जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल तेजी से चलाते हैं। लेकिन सोचो, अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे है, तो कितनी रफ्तार से साइकिल चलेगी, अब कोई नहीं रोक सकता। अभी तक तो हम कह रहे थे कि सरकार बनने जा रही है, बहुमत आएगा और हम और कांग्रेस मिलकर के दोनों 300 से ज्यादा सीटें जीत करके जाएंगे। सोचो, बीजेपी के लोगों ने अब तो उनका बजट भी आ गया है, इस बार तो चौथा बजट भी दे दिया उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। बताओ, किसी गरीब किसान या नौजवान को कुछ मिला हो उसमें? धोखा दे दिया एक बार और। बताओ, अच्छे दिन हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक अच्छे दिन नहीं मिले। कैसे कहा बीजेपी के लोगों ने कि सरकार में आ जाएंगे तो हम अच्छे दिन ले आएंगे, लेकिन अच्छे दिन वालों ने हमें और आपको सबको लाइन में लगवा दिया। लाइन में लगे रहे बैंकों के आगे, जो मेहनत की कमाई थी, ईमानदारी से जो मेहनत की थी, अपना खून पसीना बहा करके जिसको कमाने का काम किया था, छोटा मोटा व्यापार कर
करके, कारोबार कर करके, छोटा मोटा कारोबार हुआ था, अपने ईमानदारी से कमाया, वो भी सरकार ने अपनी बैंकों में जमा करा लिया। इन्होंने तो कहा था कि हम गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन बताओ अब तो इतने समय गुजर गया, किसी के अकाउंट में 15,000 रुपए भी पहुंचे हो तो बता दो। लोग लाइन में लगे थे, लोग लाइन में लगे थे गरीब, और लगे लगे कई लोगों की जान चली गई, लोग लाइन में मर गए पूरे देश में। हमने तो समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में अगर कोई लाइन में लग करके मरा तो उसके परिवार की मदद करने का काम किया और 2-2 लाख रुपए उनके परिवार को देने का काम किया। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे ने भी जन्म ले लिया था। लाइन में लगे लगे एक बच्चे ने जन्म ले लिया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने जानकारी कराई कि आखिरकार ये बच्चा किस परिवार का है, वो सबसे गरीब परिवार का मिला। उसको भी हमने बुलाया और उसकी मां को 2 लाख रुपए से हमने मदद करने का काम किया। इधर साथियों, समाजवादी लोग तो हैं, मदद करने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने बहाना अच्छे दिन का दिखा के सपना लोगों को धोखा दिया। जो लाइन लगी थी एक बार फिर लाइन लगेगी, जो लाइन लगी थी वो एक बार फिर लाइन लगेगी, और इनके खिलाफ मतदान और वोट देने का काम हमारे लोग करेंगे, हमारे समाजवादी लोग करेंगे। बताओ आपको, हमको सबको भरोसा है 108 पे के नहीं है भरोसा, एम्बुलेंस पर 102 पे भी गर्भवती माताएं बहने उन्हें भी भरोसा है, और आने वाले समय में हमने पुलिस के लिए भी शुरू कर दिया है 100 नंबर। आप तकलीफ में, परेशानी में, दिन में, रात में कभी भी फोन मिला लेना, और अगर सूचना दे देंगे तो 15 मिनट में पुलिस पहुंचेगी और आपकी मदद करने का काम करेगी, इसलिए 100 नंबर शुरू किया। और मैं कहता हूं कोई भी मिला लेना फोन, कभी कोई आपके साथ व्यवहार खराब नहीं कर सकता। पहले तो कभी कभी अभी अगर फोन मिलाया आपने और एसओ साहब थोड़े गर्म हुआ उनका दिमाग, तो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं आपसे, उनकी भाषा बदल जाए। लेकिन 100 नंबर आप फोन करोगे, कोई आपके साथ व्यवहार और गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी और भी इसके बाद वाली बुराई भी ठीक करनी है, इसके बाद वाली भी बुराई ठीक करनी है। कभी कभी पुलिस बुराई वाला काम भी करती है, लेन देन वाला। आने वाले समय में हम कह के जा रहे हैं आपसे, अगर कोई गलती करे उस 100 नंबर पे लिखा देना, आपका पैसा वापस करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। ये इंतजाम हो रहा है, इसलिए समाजवादी लोग तो काम करना चाहते हैं। हमारी गरीब माताओं बहनें जो लड़कियां हैं उन्हें विद्यादान दे रहे हैं। कई बार बहुत सारे हमारे गरीब लोग हैं गांव में, पेंशन नहीं मिलती, सरकार की पेंशन कई बार नहीं मिल पाती, इसलिए हमने तय किया इस बार कोई गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको समाजवादी पेंशन से हम लोग न जोड़ दें। अभी तो 500 रुपए महीना दे रहे हैं, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 1,000 रुपया समाजवादी पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे, हमारी गरीब माताओं बहनों की मदद करेंगे। साथ ही साथ और नौजवानों को रोजगार के इंतजाम कैसे हो, नौकरी कैसे मिले, नौकरी का भी इंतजाम करेंगे। जो हमारे पुलिस भर्ती देख रहे होंगे नौजवान, वो जानते होंगे पहले 2-2 परीक्षा देनी पड़ती थी, अब हमने परीक्षा खत्म कर दी, केवल आपको 10वीं 12वीं के नंबर दिखा करके जो भाग के दिखा देगा सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस भर्ती में कर लिया जाएगा, कोई परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी। हमने मुस्लिम नौजवानों को भी भर्ती के लिए कहा है कि जो उनकी पढ़ाई 10वीं वाली है 12वीं वाली, आलिम और मौलिम, अगर 10वीं और 12वीं जो आपकी उर्दू वाली पढ़ाई है उसको भी शामिल कर दिया, पहली बार होगा।
कि उसको भी शामिल कर करके अगर नंबर अच्छे होंगे, भाग्य दिखा देगा नौजवान, तो उसको भी भर्ती करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए साथियों, हम तो काम कर रहे हैं समाजवादी लोग और लगातार काम करेंगे। इस बार सरकार बनी लेकिन थोड़ा देर से सम्मान दे पाए मदन चौहान जी को। सम्मान तो दिया लेकिन थोड़ा देर से दे पाए। इस बार जिताइए, सरकार बनाइए, पहले से ही सम्मान इनका देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम अपने यहाँ जो खड़े हैं साथी उनसे भी कहेंगे, यहाँ जो खड़े हैं साथी, कभी कभी नाराजगी हो जाती है कोई बात को लेकर के, लेकिन ये चुनाव तो हमारा है, बताओ हमें मदद करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ आप। इसलिए इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझना। जिन लोगों ने गुमराह किया, साजिश की, षड्यंत्र किया, और अभी याद होगा आपको बगल में ही प्रधानमंत्री जी आए थे और कह के गए, अंग्रेजी में कह के गए कि वो हमें उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है। हमारे लोग समझ ही नहीं पाए कई लोग कि स्कैम, ये कौन सा स्कैम है। फिर उन्होंने पढ़ के बताया कि एस समाजवादी, ए अखिलेश, सी है कांग्रेस, एम है मायावती। तो हमने कहा बताओ, हमारे बुआ का भी नाम ले दिया इन्होंने। हमने भी कहा अगर आपको स्कैम से बचाना है उत्तर प्रदेश, तो हम समाजवादियों को भी स्कैम से पूरे देश को बचाना है। हमने भी अंग्रेजी में कह दिया कि सेव द कंट्री फ्रॉम ए ओ एम से, जिनके नाम है उन लोगों से। अगर उन्हें स्कैम से प्रदेश बचाना है, लेकिन बताओ उसमें बुआ को भी जोड़ दिया, उनसे तो उनका पुराना अच्छा संबंध रहा है, कौन नहीं जानता, बताओ उनके संबंध पहले अच्छे थे रक्षाबंधन वाले। जब रक्षाबंधन बनता था बीजेपी और बीएसपी की सरकार में, तो बीजेपी के लोग इंतजार करते थे कि कब हमारी बहन जी आएंगी और हमें राखी बांधेंगी, और तीन तीन बार समझौता किया, कौन नहीं जानता। और लखनऊ में जो हाथी लगाए वो अशोक चौहान भी जानते होंगे, नोएडा में जो हाथी लगाए, पिछले 9 साल से जो हाथी खड़े हैं वो खड़े ही हैं, जो बैठे हैं वो बैठे ही हैं, बैठे वाले खड़े नहीं हुए, खड़े वाले बैठे नहीं अभी तक। तो सोचो ऐसी पत्थर वाली सरकार। इसलिए अगर काम पे आकलन करेंगे आप, अगर काम पे आकलन करेंगे तो हमारे समाजवादी लोगों को आप आगे पाएंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, और बिना भेदभाव के समाजवादी लोगों ने काम करके दिखाया है, आने वाले समय में हमें मौका दोगे तो उसी ईमानदारी से हम लोग आपके बीच में काम करेंगे, आपके लिए खुशहाली का रास्ता निकालने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। इसलिए साथियों, हमारे जिया खान साहब से भी कहेंगे, इनको भी विभाग दिया था हमारे साथी जाने न जाने, इन्होंने अपने विभाग में ऐसा कमाल का काम किया कि पूरे सूरज की रोशनी पकड़ करके बिजली बनाने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने 500 मेगावाट, बताओ कहीं 500 मेगावाट किसी ने बनाई इससे पहले, लेकिन जिया खान साहब ने अपने विभाग से उतनी बिजली बनवा दी। हमने तो सूरज से भी बिजली बना दी, पानी वाले से ही बिजली बना दी, और कोयले से भी बिजली बनाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि शहरों में हम लोग 24-22 से लेकर 24 घंटे और गांव में लेकर करके 14-16 और 18 घंटे भी बिजली उपलब्ध करा पा रहे हैं। आने वाले समय में शहरों को 24 घंटे और गांव को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। एक और, हालांकि समाजवादी साथी नहीं कहेंगे, भटक गया है, कोई मामला है, एक आदमी गुमराह हो गया है, गुमराह हो रखा है, इसलिए हम कहना चाहते हैं समाजवादी साथियों, सरकार बनेगी तो वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ही वापस आ जाओ, और काम तो हमने किया था, मदद तो हमने की थी, बड़ा खराब समय है, जिसकी मदद कर दो वो ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है।
इसलिए कहीं गुमराह मत होना। अपने साथियों से हम कहेंगे, समाजवादी साथियों से, कि ऐसे लोगों से आने वाले समय में भी सावधान रहना। और ये चुनाव है सरकार बनाने का, ये नेता लोग बिगाड़ना चाहते हैं। बोलो, आप संभालोगे कि बिगाड़ दोगे? इसलिए चुनाव को संभाल देना, आप सब मिलकर के हमारी मदद करना। और ये तो साइकिल है, साइकिल ये बहुत तेज चलने वाली है, क्योंकि एक समय लगा था कि हमारी कहीं साइकिल छूट ना जाए, लेकिन आपकी सहयोग और मदद से हम लोगों को दोबारा साइकिल मिल गई। और चुनाव में सरकार पार्टी सरकार बनाएगी तो सबसे ज्यादा नेताजी का सम्मान बढ़ने का काम होगा इस चुनाव के बाद। जहां तक सवाल ये नोटबंदी वालों का है, ये नोटबंदी वालों ने जो परेशान किया है आपको हमको, हम तो पूछते हैं, बताओ, अब तो पैसा सब जमा हो गया आपकी बैंक में, कोई पैसा नहीं बचा, किसी के पास 500,000 रुपया पुराना बचा ही नहीं, किसी पे बचाओ तो बता दो, सबने जमा कर दिया पैसा, अब तो सब अकाउंट में तुम्हारे हैं, अब तो कम से कम पैसा दे दो। और याद रखना, ये काला सफेद की जो बात है, एकदम देश को गुमराह किया है। पैसा कभी काला सफेद नहीं होता, अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर काला पैसा किसी ने दिया और कारोबार हुआ, टैक्स नहीं दिया, तो वो काला पैसा हो गया। और काले पैसे से किसी ने कारोबार किया और सरकार को टैक्स दे दिया, तो वो अपने आप सफेद पैसा हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता, अगर कोई चीज सफेद और काली होती तो वो हमारा आपका लेन देन होता है। और बिना हमारे आपके भ्रष्टाचार के दूर किए भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। और हम तो अब कहेंगे कि जो काले धन की बात कही थी आपने, अब तो बैंकों में जमा है पैसा, कम से कम हिसाब किताब देश की जनता को बता दो कि काला धन कितना है। अगर ये नहीं बता सकते तो वो पैसा बताओ कि जो बाहर से आप कहते थे कि पाकिस्तान से पैसा आया है, हम तो जानना चाहते हैं समाजवादी लोग, कम से कम वही पैसा बता दो जो बाहर से आया था, आपने आरोप लगाया था, कोई पैसा बाहर से नहीं आया, सब पैसा जमा करा लिया, अब तो वो जानते ही नहीं है कि कौन सा पैसा है। और गरीब को बचाने के लिए पैसा जमा नहीं हुआ है, ये बैंकों को बचाने के लिए पैसा जमा हुआ है, बड़े लोगों की मदद करने के लिए पैसा जमा हुआ है। इसलिए साथियों, इस चुनाव में हमारी मदद करना। और अगर बिजली सुधार के लिए हमें अगर और सुधार के लिए कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो हम बिजली सुधार के लिए व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनाना पड़ेगा तो आपको कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज देने का काम हम समाजवादी सरकार में करेंगे। साथ ही साथ, क्योंकि इधर आबादी बड़ी है और जो चीजें एक नगर पंचायत की होनी चाहिए, जरूरत की चीजें, बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए, अगर बहादुरगढ़ को हमें नगर पंचायत बनाने का काम भी आने वाले समय में हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, जहां तक विकास की बात है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत काम किया हम लोगों ने, सड़क बिजली पानी से लेकर के स्वास्थ्य और दवाइयों का इंतजाम किया, लेकिन इससे ज्यादा भी इंतजाम करना है। इसलिए सब लोग मिलकर के एक बार फिर समाजवादी पार्टी की मदद कर देना। और ये चुनाव ऐसा चुनाव है जो बोल रहा है चुनाव, बताओ सब जानते हैं कि नहीं जानते चुनाव किस तरफ जा रहा है। पहली बार इतना समाजवादियों के पक्ष में माहौल है, लोग कह रहे कि आंधी चल रही, बीजेपी की कहीं आंधी नहीं चल रही, ये कह सकते हैं उनकी हवा खराब है, दूसरी दिशा में जा रही हवा। और फिर अगर आंधी की बात है तो हम समाजवादी लोग तो साइकिल चलाने वाले हैं, अगर विपरीत हवा में भी आ रही होगी हवा तो हम जानते हैं कि कितना ताकत से पैडल मारना है और कितना अच्छी तरीके से हैंडल हमें पकड़ के रखना है। इसलिए चाहे आंधियों का मुकाबला करना पड़े और चाहे आप जैसे लोगों का मुकाबला करना पड़े, हम समाजवादी लोग इनका मुकाबला करेंगे। और न केवल प्रदेश में
बल्कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को देश से बाहर भी करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। इसलिए गठबंधन किया है। कभी कभी लोग कहते हैं कि गठबंधन कर लिया आपने और आपने सीटें ज्यादा दे दी। मैंने कहा मैंने गठबंधन इसलिए भी किया है कि जो थोड़ा बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, जो लोगों के अंदर थोड़ी बहुत दुविधा थी, कम से कम वो दुविधा और कांग्रेस के साथ आने से वो कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब सब जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के बहुमत की तरफ जा रहे हैं और सीटें इसलिए भी ज्यादा थी कि हम मजबूती दोस्ती करते हैं और दोस्ती अगर मजबूत होगी तो हमारा गठबंधन भी आगे तक चलेगा। इसे सीटें ज्यादा दी इसलिए दी हैं क्योंकि समाजवादी लोग बड़े दिल से दोस्ती करते हैं। और सोचो अगर कोई दोस्त कंजूस हो, अगर आपको साथी कंजूस मिल जाए तो कितनी दोस्ती आपकी चल जाएगी, कितना लंबा दोस्ताना चलेगा। इसलिए हमने ज्यादा कांग्रेस को देकर के सीटें कम से कम अपनी दोस्ती पक्की कर ली है इन सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए, न केवल प्रदेश बल्कि देश से इनका सफाया करने के लिए ये गठबंधन किया है। इसलिए साथियों आप मदन चौहान जी की मदद कर देना, बहुत ईमानदारी से अच्छे वोट दे देना, सब साथ मिलकर के बताओ कंफ्यूजन खत्म है कि नहीं खत्म है। कंफ्यूजन खत्म और सब जानते हैं कि सरकार भी समाजवादियों की बनने जा रही है, इसलिए मदन चौहान जी को अच्छे वोटों से और अभी तक के सबसे ज्यादा वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे बताओ। और मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं से कहूंगा कि जब सरकार बनेगी तो आपका भी सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जो धोखा देके चले गए, जो धोखा देके चले गए और लाभ लेके चले गए हैं, उनसे कहेंगे कि अब तो रास्ता बदल दो और अगर दोबारा आना चाहोगे तो समाजवादी पार्टी और साइकिल पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की भी आपको। इसलिए एक बार फिर मदन चौहान जी को अच्छे वोटों से जिताना यही निवेदन करने आया हूं। एक बार दोबारा आप आए क्योंकि पहले भी हमने तकलीफ दी थी आपको, नहीं पहुंच पाए थे आपके बीच, लेकिन अब उससे भी ज्यादा लोगों की संख्या में हैं आप लोग, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और किसानों को सुविधा देने में कभी समाजवादी लोग पीछे नहीं हटे, चाहे चीनी मिलों का भुगतान की बात हो, चाहे गन्ने की अच्छी कीमत देने की बात हो, हम समाजवादी लोगों ने हमेशा कोशिश कर करके किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप सब लोग मिलकर के साइकिल पे मतदान करेंगे। हालांकि गंगा मेले के प्रांतीय सूची में हम कुछ और कार्यक्रमों को डाले हैं, आपका गंगा मेले को भी जो प्रांतीय सूची होती है, स्टेट की सूची होती है, जैसे महोत्सव के लिए अलग से सहयोग और मदद मिलती है उसमें शामिल करने का काम करेंगे, जिससे आपका मेला का भी अच्छा संपन्न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।